नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चमकी बुखार को लेकर सभी बड़े अस्पतालों में जांच की व्यवस्था। हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। मनोज वाजपेयी ने सिनेमा को लेकर कही बड़ी बात। निगरानी विभाग ने घूस लेते हुए सेंट्रल बैंक के मैनेजर को किया गिरफ्तार। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी। पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करने के दौरान रहे अलर्ट। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास के लिए रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। रेलवे में अप्रेंटिस का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षुओं के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के DRM ऑफिस रायपुर और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के तहत 113 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के 100 उम्मीदवार https://www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 मई 2024 है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं पास करने के साथ ही रिक्ति से संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। चमकी बुखार को लेकर सभी बड़े अस्पतालों में जांच की व्यवस्था। चमकी बुखार को लेकर सभी बड़े अस्पतालों में जांच की सुविधा है। बीमारियों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। AES और JE से पीड़ित बच्चों के लिए बेड को अस्पतालों में सुरक्षित रखा गया है। अस्पतालों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। JE की जांच के लिए PMCH, NMCH और RMCH समेत सभी बड़े अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि पीड़ित बच्चों की संख्या में इजाफा होने पर बेड की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। चिकित्सकों के द्वारा सलाह दी जाती है कि बच्चे को अचानक बेहोशी, बुखार और चमकी होने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे घोरा कटोरा के बारे में। घोरा कटोरा एक प्राकृतिक झील है जो राजगीर के पास स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस स्थल का नाम घोरा कटोरा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भारतीय महाकाव्य के महाभारत के राजा जरासंघ का घुड़साल हुआ करता था। यह स्थान छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ से प्राकृतिक नज़ारे बेहद ही प्रिय लगते हैं। इस झील के बीचों बीच आपको भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी जो कई पर्यटकों का यहाँ ध्यान खींचती है। लोग यहाँ नौका विहार का आनंद लेने आते हैं। इस स्थल पर आपके मनोरंजन के लिए और भी कई एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। CTET 2024 परीक्षा के लिए भरी आवेदन की तिथि। CTET परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी हुई है। 5 अप्रैल तक परीक्षा के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इससे पहले CTET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल की थी लेकिन अब ये बढ़कर 5 अप्रैल हो चुकी है। अगर किसी परीक्षार्थी ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। आवेदकों को 2 अन्य दिनों का मौका मिल गया है। CTET की परीक्षा के लिए आवेदन करना हो तो वेबसाइट https://ctet.nic.in पर विजिट करना होगा। जानकारी के अनुसार 7 जुलाई को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। भारत की सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। फोर्ब्स के द्वारा साल 2024 के बिलियनियर की सूची को जारी किया गया है। इसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि इस बार भारत में 31 अधिक अरबपति हो चुके हैं। ये आंकड़ा अब 200 पर पहुंच चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। इनकी कुल संपत्ति $36.8 बिलियन है। वहीं दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का नाम आता है। इनकी संपत्ति 84 बिलियन की है। वहीं सावित्री जिंदल चौथी सबसे बड़ी रईस भारतीय हैं। ये टॉप 10 में शामिल हैं। तीसरे नंबर पर शिव नाडर दिलीप सांझवी, 5वें नंबर पर साइरस पूनावाला 6ठे सबसे रईस भारतीय व्यक्ति हैं। वहीं 7वें नंबर पर कौशल पाल सिंह, 8वें पर कुमार मंगलम बिरला, 9वें नंबर पर राधाकृष्णन दमानी और 10वें पर लक्ष्मी मित्तल हैं। मतदाता जागरूकता रथ से लोगों को किया जाएगा जागरूक। बिहार में मतदाता जागरूकता रथ से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए बिहार डाक प्रमंडल के द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। फिलहाल 4 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। डाक विभाग और चुनाव आयोग ने संयुक्त रूप से इस कार्य को किया है। जगह जगह घूम कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा।
मालूम हो कि चुनाव का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षकों की बहाली के मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। अपने फैसले में इन फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध अदालत ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बीते दिन ये फैसला रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंड दिया गया था। फिर वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2015 तक राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसमें आरोप लगा कि बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति हुई है। अप्रैल माह में लीची के बगान में करेगी कार्य। अप्रैल माह में लीची के बगान में कई तरह के कार्य किए जाते हैं। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की ओर से इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है। इसके अनुसार लीची की शाही किस्म में फल लगने के बाद जब ये लौंग के आकार के हो जाते हैं तो बगान के मधुमक्खी के बक्सों को हटा देना चाहिए। इसके अलावा बाग में हल्की सिंचाई भी जरूरी है। इसके अलावा कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है। वहीं अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर से संपर्क किया जा सकता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर के बारे में। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, कवि, संगीतकार और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 18 दिसंबर वर्ष 1887 में बिहार में हुआ था। इन्हें लोग भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से भी जानते थे। इन्होंने अपने काव्य और नाटक की भाषा भोजपुरी को ही बनाई थी। इनके द्वारा किए गए प्रसिद्ध लोक नाटक में विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग या बेटी बिछवा, कलयुग प्रेम आदि शामिल है। 10 जुलाई वर्ष 1971 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करने के दौरान रहे अलर्ट। पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करने के दौरान अलर्ट रहना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए सरकार की ओर से चेतावनी जारी की गई है। इसके अनुसार पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करने के दौरान अगर आपके यूएसबी केबल में मालवेयर डाल दिया जाए तो आप जूस जैकिंग साइबर अटैक के शिकार हो सकते हैं। इसमें यूएसबी पोर्टल पर डेटा को सिंक करके उसे पोर्ट से जुड़े डिवाइस में भेज दिया जाता है। इससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एजेंसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे में पब्लिक प्लेस पर लगे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का उपयोग करने में से हार्डवेयर में बदलाव हो सकता है। इससे बचने के लिए चार्जिंग के दौरान खुद के केबल और पावर बैंक को साथ लेकर चलना चाहिए। मनोज वाजपेयी ने सिनेमा को लेकर कही बड़ी बात। एक्टर मनोज वाजपेयी फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 16 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसमें वे एसीपी अविनाश वर्मा का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं इसी बीच मनोज वाजपेयी ने सिनेमा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है। फिल्मों में समाज की ही झलक दिखाई देती है। अभिनेता ने कहा है कि सिनेमा समाज में क्रांति नहीं ला सकती है, लेकिन ये किसी आंदोलन का हिस्सा जरूर बन सकती है। अमिताभ बच्चन फिल्म में एंग्री यंग मैन के रूप में नजर आए थे। इसको लेकर मनोज वाजपेयी ने कहा कि उसमें लोगों की समस्या, बेरोजगारी और हताशा को दिखाया गया है। इसके जरिए लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। इंडिया और एनडीए गठबंधन को लेकर हुआ सर्वे। इंडिया और इंडिया गठबंधन को लेकर एबीपी न्यूज की ओर से सर्वे किया गया है। लोगों के बीच सर्वे में कई तरह की बातों का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। वहीं मतदान में अब अधिक समय नहीं बचा है। ऐसे में इंडिया और एनडीए गठबंधन में बिहार की पहली पसंद कौन है, ये सभी जानना चाहते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर्स सर्वे के मुताबिक 91% लोगों की पसंद एनडीए है। वहीं 35% लोगों की पसंद इंडिया गठबंधन है। दूसरी ओर 14% लोगों ने अन्य को पसंद किया है। निगरानी विभाग ने घूस लेते हुए सेंट्रल बैंक के मैनेजर को किया गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने घूस लेते हुए सेंट्रल बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी बैंक के अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि बैंक के मैनेजर किसी काम के लिए अपने घर पर ग्राहक से 30,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे। इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि बैंक प्रबंधक की ओर से घूस मांगे जाने की शिकायत की गई थी। इसके बाद निगरानी विभाग ने एक्शन लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। इधर दरभंगा में बिजली विभाग के 2 कर्मी 40,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए। अस्पताल में सही से इलाज नहीं होने पर यहां करें शिकायत। भारत में मेडिकल नेगलेंस एक अपराध है।
ऐसा करने पर दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। डॉक्टर या स्टाफ को जेल तक जाना पड़ सकता है। अगर आपके या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा होता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए CMO या अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस से भी शिकायत करना संभव है। इसके बाद इसकी एक कॉपी को स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग के पास भिजवाया जा सकता है। फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा और आरोप सही साबित होने पर आपको मुआवजा मिलेगा, साथ ही आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में कई जगहों पर पछुआ हवा का दिख रहा प्रवाह। बिहार में तापमान बढ़ने के साथ ही लू वाली हवा चलनी शुरू हो चुकी है। चिलचिलाती धूप के कारण गर्मी का एहसास और अधिक होने लगा है। प्रदेश में कई जगहों पर तो पछुआ हवा का बहाव भी तेज हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के करीब में रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। पटना में पुलिस ने लाखों के विदेशी शराब को किया बरामद। पटना में उत्पाद विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ बेऊर थाना क्षेत्र के कार सर्विस सेंटर के पास से उत्पाद विभाग ने एक ट्रक विदेशी शराब को बरामद किया है। बताया जाता है कि इसकी कीमत लाखों में है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब के तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। मालूम हो कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इस कारण शराब के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। PM नरेंद्र मोदी आज जमुई से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो जमुई से जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सभा स्थल तक पहुँचने के लिए खास रूट बनाए गए हैं। यहाँ गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बगैर अनुमति के किसी को भी सभा स्थल तक पहुँचने की अनुमति नहीं होगी। मालूम हो कि जमुई में पहले चरण में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और यह NDA के प्रत्याशी अरुण भारती हैं। PM मोदी इनके समर्थन में रैली करेंगे। RJD ने NDA में परिवारवाद को लेकर किया ट्वीट। RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाने के बाद अब राजद की ओर से ट्वीट कर NDA में परिवारवाद की बात कही गई है। मालूम हो कि परिवारवाद को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। NDA के नेताओं के द्वारा अक्सर ये कहा जाता है कि राजद में परिवारवाद होता है। वहीं अब NDA में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाने के बाद राजद ने NDA में परिवारवाद पर हमला बोला है और सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर परिवारवाद पर निशाना साधने वालों को जवाब दिया है। राजद के द्वारा बताया गया है कि NDA में भी परिवारवाद हो रहा है। राजनीति में परिवारवाद पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चिराग पासवान पर पार्टी के नेताओं ने लगाया टिकट बेचने का आरोप। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पर उनके पार्टी के नेताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। पार्टी के 22 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने मोटी रकम लेकर प्रत्याशियों को टिकट देने का आरोप लगाया है। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक सतीश कुमार, पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री रविन्द्र कुमार सिंह आदि लोग शामिल हैं। इन्होंने मिलकर चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि पार्टी के लिए कितना भी खून पसीना बहा ले, लेकिन पैसे देने वालों को ही टिकट दिया जाएगा। पप्पू यादव आज पूर्णिया लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होने के बाद पूर्णिया की लोकसभा सीट राजद के खाते में गई है। राजद के प्रत्याशी बीमा भारती ने यहां से नामांकन भी कर दिया है। इसी बीच आज कांग्रेस नेता पप्पू यादव यहां से नामांकन करने वाले हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। इसके बाद ये चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले हैं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया। आज नामांकन है और आप आशीर्वाद देने के लिए जरूर आएं। तेजस्वी यादव का PM मोदी पर बयान, कहा परिवारवादी नेता का प्रचार कर करेंगे चुनावी शंखनाद। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि परिवारवादी नेता का चुनाव प्रचार कर PM मोदी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। मालूम हो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीट पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने बहनों अरुण भारती को टिकट दिया है। इस पर PM मोदी पर विपक्ष हमलावर है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने PM मोदी पर निशाना
साधा है और कहा है कि सब नेता प्रचार के लिए बिहार आते हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है। इधर भाजपा नेता सुशील मोदी के कैंसर से पीड़ित होने पर तेजस्वी यादव ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो ठीक हो जाए, हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ है। पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। पशुपति पारस ने कहा है कि वो अपने भतीजे चिराग पासवान का हाजीपुर की लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं और गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को उनका समर्थन है। बिहार में एनडीए की 40 में से 40 सीटों पर जीत होगी। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। पंजाब के बल्लेबाजों के सामने गुजरात के गेंदबाजों को कड़ी चुनौती माना जा रहा है। मालूम हो कि पंजाब किंग्स ने अपने पिछले दो मैचों में हार का सामना किया था। दूसरी ओर गुजरात की टीम ने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत हासिल की थी। इस कारण ये टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और नए मैच में भी अपनी जीत दर्ज करना चाहेगी। इस वजह से आज का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और ये सभी जानना चाहेंगे कि गुजरात और पंजाब की टीम के बीच के मुकाबले का परिणाम क्या होता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1769 में पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली ने शांति की शर्तें तय की थी। आज के दिन वर्ष 1858 में ह्यूज रोज की अगुवाई कर रहे ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़ने पर मजबूर हुई थी। आज के दिन वर्ष 1889 को मशहूर हिंदी कवि लेखक नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1905 में भूकंप के कारण भारत के कांगड़ा घाटी में 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज के दिन वर्ष 1949 में भारत की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे चुनाव आयोग द्वारा पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक के बारे में। एक यूट्यूब चैनल द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा पीएम मोदी को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे यूट्यूब चैनल व्यूज के चक्कर में फर्जी न्यूज फैला रहे हैं। आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। चुनाव आयोग द्वारा पीएम मोदी को लेकर ऐसे कोई भी नोटिस जारी नहीं हुए हैं, इसलिए बिना सत्यता की जांच के इस तरह के वीडियो और वायरल हो रहे पोस्ट पर विश्वास करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 29 मार्च, ऑप्शन बी है 31 मार्च, ऑप्शन सी है 30 मार्च, ऑप्शन डी है 2 मार्च। इसका सही उत्तर 31 मार्च। हाल ही में इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीवी मामलों में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 32%, ऑप्शन सी है 13%, ऑप्शन डी है 27%। इसका सही उत्तर है 16%। हाल ही में किसने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए है प्रहलाद पटेल, ऑप्शन बी है ऋतु राज अवस्थी, ऑप्शन सी है जॉयश्री दास वर्मा, ऑप्शन डी है पवन दाबुलूरी। इसका सही उत्तर है जॉयश्री दास वर्मा। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है बक्सर के राजपुर में, ऑप्शन बी है बक्सर के रानीपुर में, ऑप्शन सी है गया जिले के राजपुर में, ऑप्शन डी है पश्चिम चंपारण के तुकमुहा में। इसका सही उत्तर है बक्सर के राजपुर में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है बेगूसराय, ऑप्शन डी है बरौनी। इसका सही उत्तर है बरौनी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विकास दास, शिव शंकर सिंह, धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र प्रजापति, बबलू भगत, सुनील सिंह, राजेश मांझी, गोनर शर्मा, नुन्नू गोलू कुमार, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद साकिर हुसैन, कृष्णा प्रसाद, रितेश यादव, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपके अनुसार किस लोकसभा सीट पर बिहार में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।